हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत सारा ज्वेलरी दिखाने वाली हूँ, वो भी एक नंबर की ज्वेलरी। एंड जो उनका प्राइस है ठीक ठाक होगा, ना ज़्यादा होगा ना ज़्यादा कम होगा, मतलब ठीक ठाक प्राइस होगा। और कुछ ज्वेलरी ऐसे भी है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है एंड वो चीज़ एक नंबर का है। आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। दोस्तों, मैं आपको लेके चल रही हूँ गांधी मैदान में। वहाँ पर ज्ञान भवन है, जहाँ पर एक छोटा सा मेला लगा हुआ है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं घर से और मिलती हूँ मैं आपको गांधी मैदान के अंदर, ज्ञान भवन के अंदर। दोस्तों, यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल रहा है, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। मैं यहाँ पे झुमका देख के रुक गई हूँ। मैंने सोचा कि आपको दिखाते हैं और पूछती हूँ मैम से प्राइस कितने से स्टार्टिंग है। मैम, आर्टिफिशियल ज्वेलरी कितने से स्टार्टिंग है? मेरे पास 145 से स्टार्टिंग है। ओके, और ये झुमका कितने का है? कौन वाला? ये वाला झुमका, ये जो झुमका है ये वाला। हाँ, ये 185। ओके, कुछ कम वगैरह होता है कि नहीं? होता है जी। मुझे ये वाला इयर रिंग्स बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। इसका प्राइस है 255 रुपये, कम हो जाएगा मैम ने बोला है। इसमें से जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी छाट के। सब एक एक दिखाना पॉसिबल नहीं है, दिख तो बस इतना ही रहा है, लेकिन है बहुत ज़्यादा इसमें। ये वाला गले का सेट है? हाँ, ये ब्रूजी स्टोन बोलते हैं इसको। अच्छा, कितने का है वो? ब्रास पर रहता है। अच्छा, 750 का। हाँ, 900 का। नीचे वाला देखिए, अंदर बनाया गया है, वर्क किया गया, अच्छा लग रहा है। राधे कृष्ण है जी, राधा कृष्ण बने हुए हैं, अच्छा लग रहा है। और इसका क्या प्राइस होगा? ये जो गले का है, ये हसली है, ये 245। 245 हसली, हसली। वाह, अच्छा लग रहा है। दोस्तों, इसको आप गाउन पे भी डाल सकते हो, गाउन पे ही ज्यादा अच्छा लगेगा, वन पीस पे ही। हाँ, और भी है बहुत सारे हैं। अच्छा, साड़ियों पे? हाँ हाँ हाँ, बंद गला हाई नेक होगा। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत प्यारा लग रहा है। आज मैं पैसा लेके नहीं आई हूँ, वरना मैं इसको खरीदती। मैम, इसमें कल मिल जाएगा ना मुझे, लेना चाहूँ तो? हाँ हाँ, ओके, पीस है बट हमारे पास। अच्छा अच्छा, साइड कर लेंगे जी। अगर आप, मुझे ये वाला भी झुमका काफी अच्छा लगा, स्टार्टिंग में इसी को देख के रुकी थी। इसका प्राइस है 285 रुपए। यहाँ पे जितने भी सारे हैं सब अच्छे अच्छे हैं, एक से एक आल है, मतलब एक से बढ़ के एक है। ये वाला भी अच्छा लग रहा है, ये मल्टी कलर में है, सारे ड्रेस पे चला जाएगा। इसका प्राइस नहीं लिखा हुआ है मैम, इसका प्राइस नहीं लिखा हुआ है, कितने का है? 145। ओके, मुझे ये वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये इस कान के साथ है, अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, वो साड़ी पे बहुत प्यारा लगेगा। ये वाला इयररिंग्स बहुत प्यारा लग रहा है, ये कलश बना हुआ है, इसका प्राइस है 185। ये कलरफुल है जी, मीनाकारी किया हुआ। अच्छा अच्छा, ओके। यहाँ पे जितना भी सामान है ना, बहुत प्यारा प्यारा लग रहा है। ये हाथ का है, ये भी अच्छा लग रहा है, और ये वाले इयररिंग्स भी प्यारे लग रहे हैं, बहुत सारा है। ये देखिए, इसमें का तो मेरे पास है, लेकिन इससे थोड़ा सा छोटा है। कितने का है ये? 180 का। 180, ओके, अच्छा लग रहा है। मुझे ये वाला गले का काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसके साथ इयररिंग्स भी है, और इसका प्राइस है 2550। ये बोले हैं कि डिस्काउंट हो जाएगा, बहुत प्यारा लग रहा है, साड़ी पे काफ़ी अच्छा लगेगा। बहुत सारे हैं, एक से बढ़कर एक एक हैं, और मुझे ये वाला भी अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये गोल्ड में है, गोल्ड वाले जो होते हैं ना, किसी भी तरह के ड्रेस पे चले जाते हैं, ये ज़्यादातर लोग साड़ी वगैरह पे ही यूज करते हैं। ये वाला भी अच्छा लग रहा है, इस पर भगवान की मूर्ति बनाई गई है, लक्ष्मी जी हैं शायद। हाँ, लक्ष्मी जी हैं। अच्छा अच्छा, सबके साथ झुमके मिलेंगे जी। दोस्तों, मैं एक रो घूम के आ रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली, वो भी अलग अलग स्टेट के हैं, सारे हैंडमेड है, और बहुत सारी चीज़ें पसंद भी आ रही हैं मुझे, लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खरीदा है। मुझे गले का जो सेट था वो भी अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा, दिल आ गया मेरा, लेकिन बात ये है कि उतना मेरा बजट नहीं है। उनका जो मतलब गले का और इयररिंग सेट है, उनका स्टार्टिंग 2000 से ऊपर की है, और मेरे पास उतना है भी नहीं, और मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा। चीज़ अच्छा है, मैं नहीं खरीद सकती उससे,
वहाँ पे जितनी भी थे सारे पे मेरा दिल आया था, लेकिन अभी कोई फ़ायदा नहीं, अपना बजट नहीं है, आगे चलते हैं। मुझे ये वाला काफ़ी अच्छा लगा है, प्यारा लग रहा है, मैं सोच रही हूँ कि इसको खोल के देख लेती हूँ। ये 150 का है। और एक चीज़ बताना भूल गई आपको मैं, ये जो डॉल है ये 400 के हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे हैं, बट मेरा कोई इरादा नहीं है गुड़िया ख़रीदने का, क्या करूँगी रख के मैं, मेरे घर कोई बेबी नहीं है ना, बेबी होता तो लेती। अभी मैं इसको देखती हूँ खोल के, ये अच्छा लग रहा है, ऐसे खोल के भी बहुत प्यारा लग रहा है, ये साड़ी पे अच्छा लगेगा। और ये जो इयररिंग्स हैं ये भी अच्छे लग रहे हैं, इसमें बहुत सारे कलर आ जाएंगे। एक यहाँ पे लगा हुआ है सामने, सोच रही हूँ मैं इसको लेने का। इयररिंग्स छोटे छोटे हैं, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मुझे ये गले वाला ज़्यादा अच्छा लगा। दोस्तों मुझे यहाँ पे एक अच्छा चीज़ मिला है, ये देखिए इसको पाँव में पहनते हैं, इसको पौंची बोलते हैं हिंदी में। ये राजस्थानी चीज़ है, मैंने बचपन में देखा था वहाँ के लोग ये पैर में डालते हैं, वो लोग इससे भी मोटी मोटी डालते हैं और वो लोग इसको फिक्स कर देते हैं। और ये गले का है, इतना बड़ा है, ये भी अच्छा दिख रहा है। मैम कितने का है ये वाला? अच्छा इस पर लिखा हुआ है, अच्छा 500 का है। कितना हो गया? बहुत सारा है यहाँ पे, बहुत प्यारे प्यारे इयर रिंग्स, रिंग और हाथ वगैरह का भी है। दोस्तों यहाँ पे राजस्थानी ज्वेलरी मिल रहा है। मैम इसका क्या प्राइस होगा? 350। ओके, और ये मेरे ही साइज का है, अच्छा लग रहा है। और इन सब का क्या प्राइस होगा मैम? ये जो चोकर टाइप के हैं 800-900। ओके, 650 का है। दोस्तों इसका प्राइस है 700 रुपये। और ये अच्छा लग रहा है, सेम इसी में का मेरे पास है और उसका प्राइस मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैंने अभी आपको जो ग्रीन में चोकर दिखाया था ना और कान का जो टब्स था उसका प्राइस इन्होंने 700 रुपये बोला है, और वही चीज़ सेम वही, सिर्फ कलर का अंतर है। मैंने खेतान मार्केट से लिया था और वो मुझे पड़ा था चोकर मात्र 150 रुपये का। बाबा रे कितना महंगा करके औरत बेच रही है यहाँ पे, मतलब बोलो तो लूटने का भी काम चल रहा है ज्वेलरी वाले, मतलब क्या बोलते हैं, ज्वेलरी वाले स्टॉल में ऐसे। बाकी ठीक है दोस्तों, ये जो है ना 200 में दो पड़ेगा आपको, लेकिन मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है, 100 का एक है। मैम ऐसा कोई सिंगल चाहे तो आप सिंगल बेचती हैं कि नहीं, किसे साथ में ही बेचेंगी? साथ में ही। ओके दोस्तों यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे चूड़ी है, कड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो थ्री पीस वाले आते हैं वो भी है, ज़्यादा वाला भी है, ये मधुबनी का है। यहाँ पर भी बहुत ही प्यारे प्यारे चूड़ियाँ मिल रही हैं, ये है सीतामढ़ी का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैम कितने की स्टार्टिंग प्राइस है इनका? 170 का, मतलब ये पूरा सेट मिलेगा? एक पैकेट है दोस्तों, ये एक पैकेट मिलेगा 170 रुपये का। मैम कुछ प्राइस वगैरह कम होता है कि नहीं? अच्छा हो जाता है जी, बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारा है, बहुत सारे कलर में भी हैं, ये तो सेम ही कलर है लेकिन इनका पैटर्न चेंज है। इस स्टॉल पे जितनी भी चूड़ियाँ लगी हैं सब एक से एक काल है, और ये हैंडमेड है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। मैंने सोचा कि एक ट्राई करके देखते हैं, मेरा भी दिल आ गया है चूड़ियों पर। ये देखिए मैंने पहना है। वैसे इसका प्राइस मैम कितना बोली? 170। लास्ट कितने में देंगी आप? 160। ओके, और मैंने बहुत ही कम पहना है, इसमें बहुत ज़्यादा है, मैंने सोचा कि 3-4 डाल के देखते हैं कैसा लग रहा है और आपको दिखाते हैं। मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? इसमें बहुत सारी चूड़ियाँ आएंगी, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पूरा भर के है, इसमें चाहे तो 2 लोग पहन सकते हैं अगर थोड़ा थोड़ा पहनना चाहे तो, और भर भर के पहनना चाहे तो 1 लोग पहन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे चूड़ियाँ मिल रही हैं, ये कड़े टाइप का है, 2-2 आप हाथ में डाल सकते हो, साड़ी सूट लहंगा कुर्ते जीन्स सब पे डाल सकते हो। ये मतलब इसका वर्क जो है काफ़ी अच्छा है। इसका प्राइस है 100 में 4, कोई भी लो आप 100 में 4 पड़ेगा, कलर साइज सब आ जाएगा। मुझे ये वाला अच्छा लगा, ये ऐसा कलर है ना कि सारे कपड़े पर जाएगा, और भी सारे हैं, मल्टी कलर में भी मिल जाएंगे आपको। ये वाले मल्टी कलर में है, ये भी अच्छे लग रहे हैं। इसमें का चाची जी के पास है, ये देखते ही मुझे याद आ गया। और ये वाला भी प्यारा लग रहा है, बहुत सारा है, कितना दिखाएं ये समझ नहीं आ रहा हमें। ये देखिए ये बहुत
अच्छा लग रहा है। तीन है सर, ये तीन है या चार है? दो-दो का सेट मिलता है। अच्छा, दो-दो का सेट मिलेगा। कितने प्राइस का है ये? 400। कोई भी 400। अच्छा, ये हैंडमेड है? कितने दिन चलेगा कम से कम? 1 ईयर। अच्छा, 1 ईयर चलेगा। अच्छा, नीचे से ऐसा है, ऊपर से ऐसा है, अच्छा लग रहा है। सर कम नहीं करेंगे? 400 तो कुछ ज़्यादा लग रहा है। फिक्स है? ओके। और यहाँ पे बहुत सारे कलर में है ये चप्पल ना, लुक में बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसको घर पे, बाहर, मतलब हर टाइप के यूज में ला सकते हो। नीचे से ऐसा है ना कि ये टिकाऊ भी है। आइए मैं दिखाती हूँ इसका खोल के, ये अटक गया है। ये देखिए, ऊपर से ऐसा आएगा और पीछे से ऐसा है। ये नॉर्मल चप्पल जैसा है, कम से कम 1 साल चलेगा। ये मजबूत भी है, मुझे अच्छा लगा। अंदर से आपको बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट फील आएगा। इसको गीला कर सकते हैं ना? अच्छा, वॉशेबल है। ओके, कलर बहुत सारे हैं। ये देखिए, मुझे ये वाला अच्छा लगा है, लेकिन ये प्राइस बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, 400। यहाँ पर मुझे ये वाला चप्पल अच्छा लगा, इसका प्राइस है 280 रुपये। बाबा रे, महंगा है। बाहर सस्ता पड़ता है, 200 पड़ता है शायद, यहाँ पे 80 रुपये ज़्यादा है। यहाँ पर जूता, चप्पल, जूती मिल रहे हैं, हैंडमेड वाला है, ये सब चमड़ा का बना हुआ है। इसके बारे में भी मुझे ज़्यादा नहीं पता है। अंकल यहाँ पे पॉलिश कर रहे हैं, यही बनाते भी हैं। इसमें से मैंने अपने लिए एक सैंडल टाइप का निकाला है, ये भी हैंडमेड है और इसका प्राइस 350 रुपये है। मेरे साइज़ का है और मुझे लेना होता तो मैं इसका जोड़ा ढूंढवाती। इधर ही कहीं आसपास है शायद, ये है अंदर के तरफ में। मैं इसको ट्राई भी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लेना है नहीं। यहाँ पर मेंस का भी मिल रहा है, मेंस का 400 रुपये है। एक जन ने पूछा इसका प्राइस 400 है। सर दिखाइएगा जरा, ये देखिए अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी मैं बाहर निकल रही हूँ, काफ़ी लेट हो गया मुझे यहाँ पे। मैं 2-2.5 घंटे से ही अंदर घूम रही थी, ब्लॉगिंग किया, बहुत सारे लोग टकराए, बात विचार हुई और एक दो दोस्त भी मिल गए। सारे लोग खरीदारी के लिए आए थे और मैं ब्लॉगिंग के लिए आई थी। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, अभी घर निकलूँगी। और यहाँ की बात करें तो यहाँ का जो सामान था ठीक ठाक था, इनका प्राइस थोड़ा सा हाई था मेरे हिसाब से, क्योंकि वही चीज़ मैं बाहर से लेती हूँ तो मुझे थोड़ी सी सस्ती पड़ती है। यहाँ पे इन्होंने लगाया है उसको थोड़ा ये लोग महंगा करके बेच रहे हैं। ठीक है, अगर आपके बजट में आ रहा है तो आप खरीदारी करिए। अंदर से ज़्यादा भीड़ बाहर ही दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे लोग फ़ोटो वगैरह निकलवा रहे हैं। ये देखिए, खड़े होके कुछ लोग इस तरह फ़ोटो निकलवा रहे हैं। अभी मेरा कौन फ़ोटो निकालेगा, और मैं किसी को दूंगी भी नहीं। फ़ोन की फ़ोटो निकाल दीजिए, एक तो बहुत गंदा लुक है मेरा, मैंने कुछ भी नहीं लगाया फेस पे, बस ऐसे ही उठ के चली गई ब्लॉगिंग करने। और दूसरी बात कि इवनिंग हो गई है ना, तो फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी।